सॉलिडर किधर जा रहा है, ये नमक वाला शहर आखिरकार किसकी तरफ जाएगा। रशिया कैप्चर किए होने का दावा करता है, यूक्रेन लगातार वहां काउंटर अटैक्स कर रहा है, बखमुत में ये आग तो ऐसी लगी हुई है कि दोनों ही तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। इन दोनों जगहों पर ये लड़ाई क्या 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 डायरेक्शन ले रही है कर्नल डिन्नी? देखिए, ये जो अभी जो फरवरी 24 का जो एनिवर्सरी के जो माइलस्टोन आ रहा है, तो आपको हमें देख रहा है कि कई जगह पर इस तरह की लड़ाई चल रही है, और ऑन ग्राउंड लड़ाई जो है एक्चुअल में किस तरह से चल रहा है बहुत मुश्किल है क्या ना, क्योंकि दोनों तरफ से ही क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में, और खासतौर पर जब ये बर्फ अभी जो एकदम जमने वाला है, तो टैंक वॉरफेयर और वो सब चीजें बढ़ेगी। तो क्लियर कट कहना कि किसकी तरफ जा रहा है ये बहुत मुश्किल है, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट। बट एक चीज मैं दिनेश जी, मैं ये टैंक की जो आपने माइंस की बात कही, मैं क्विकली एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। जहां तक मेरा ख्याल है, यूक्रेन ने एक स्कैटर्ड माइंस करते हैं, तो माइंस को एकदम से सिस्टमैटिक नहीं डालते, एकदम स्कैटर करके डाल देते हैं। तो उससे क्या होगा कि एकदम मुश्किल होता है कि कहां कहां पर माइंस पड़े हुए। एक चीज, दूसरी चीज, अगर उन्होंने जिस तरह के रोड्स और ट्रैक्स का यूज कर रहे हैं, तो वहां पर उनको एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से शिकार होना पड़ रहा है। तो रशियंस ने क्या किया, क्रॉस कंट्री जाने की कोशिश की, और वहां पर स्कैटर्ड माइंस की वजह से हो सकता है कैजुअल्टीज ज्यादा हो। ये जो हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं उसको बहुत ध्यान से समझिए कि एक तो वैसे ही बर्फ के मैदानों में नीचे माइंस का डिटेक्ट किया जाना आसान नहीं होता। कर्नल डिन्नी ने यह भी बताया कि किसी एक पैटर्न में ये माइंस नहीं डाली जा रही हैं ताकि एक पैटर्न डिटेक्ट किया जा सके, इसको स्कैटर्ड फॉर्म में बिखरा कर डाला जा रहा है, और इस वजह से इसको डिटेक्ट करने में, इसका पैटर्न समझकर इसको अलग करने में और डीएक्टिवेट करने में मुश्किल आ रही है।